22 को लेकर बड़ा अपडेट है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कांटे की टक्कर। आईपीएल सीजन 15 के 34वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान सीजन की इकलौती ऐसी टीम है जिसने अपने 6 मुकाबलों में इस बार 5 मुकाबलों में टॉस गंवाने के बावजूद भी 4 मैच यहां पर जीते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो कोरोना संकट से जूझ रही इस टीम ने पंजाब पर 9 विकेट से शानदार जीत के साथ अपने मजबूत इरादों को जाहिर कर दिया है। वहीं दिल्ली ने इस टूर्नामेंट में आईपीएल 2022 सीजन में 6 मैच खेले हैं जिसमें 3 में उसे जीत दर्ज हुई है, 3 में उसे जीत मिली है, वहीं 3 में उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में बात करें तो राजस्थान और दिल्ली के बीच अब तक 24 मैच यहाँ पर खेले जा चुके हैं जिसमें 12 मैच दिल्ली ने जीते हैं तो 12 मैच राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने नाम किए हैं। वही पंजाब के खिलाफ बगैर आउटडोर प्रैक्टिस के मैदान पर उतरी दिल्ली की इस टीम ने, यहाँ पर दिल्ली की टीम के लिए जो पंजाब का जो मुकाबला था वो मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने पंजाब की को केवल 115 रनों पर ही समेट दिया था। इसके बाद दिल्ली के ओपनर डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह ने मुकाबले को 10 ओवर में समाप्त करने की ठान ली थी और 105 यहाँ पर टोटल जो यहाँ स्ट्राइक रेट ही 205 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पृथ्वी शाह और 200 की स्ट्राइक रेट से खेलकर वार्नर ने केवल 10 ओवर और 3 गेंदों में एक तरफा अपने मुकाबले में यहाँ पर टीम को यहाँ पर जिता दिया था। पृथ्वी शाह के आउट होने के बाद सरफराज ने टीम को मंजिल तक पहुँचाया। इस यादगार परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर होगा कि वे राजस्थान के विरुद्ध भी कुछ बड़ा धमाका पूरा करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, यानी बड़ा धमाका करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। वही राजस्थान की टीम की बात करें तो राजस्थान का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट उस टीम पर यहाँ पर भारी पड़ जाते हैं। राजस्थान की जो टीम है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है। वही कुमार शंकर और संजू सैमसन ही ये बेहतर बता पाएंगे कि आर अश्विन को गुजरात के खिलाफ नंबर 3 पर बैटिंग कराने का मकसद क्या था आखिर। वही अगर कुछ विचित्र यहाँ पर कुछ विचित्र रणनीतियों को छोड़ दे तो ये वही राजस्थान है जिसने मुकाबले जो उपस्थित जो मुश्किल परिस्थितियों में चारों मुकाबले डिफेंड करते हुए यहाँ पर जीते हैं। वही ट्रेंट बोल्ट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी राजस्थान में फास्ट बॉलिंग की जो जोड़ी है वो यहाँ पर कमाल कर रही है। तो वही यजवेंद्र चहल और अश्विन की फिरकी विरोधी बल्लेबाजों पर नकेल कस रही है। पहले सीजन के बाद सबसे यहाँ पर बेहतर प्लेयर्स के साथ उत्तरी राजस्थान की जो टीम है, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, वो ट्रॉफी तक पहुँचने का जो ट्रॉफी है उस तक पहुँचने का कोई कोर्पसर यहाँ पर बाकी नहीं छोड़ेगी। आज भी इस टीम ने यहाँ पर फैंस को यहाँ पर इस टीम में यहाँ पर जो फैंस है उसको यहाँ पर दमदार प्रदर्शन की इस टीम से उम्मीद है। बात करते हैं अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली में बल्लेबाज होंगे पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और पोवेल और इसके अलावा सरफराज खान ये बल्लेबाज होंगे। ऑलराउंडर की भूमिका में इस बार दिल्ली में इस मैच में होंगे अक्षर पटेल, ललित यादव, शार्दुल ठाकुर। गेंदबाजी का डिपार्टमेंट फास्ट बॉलर का कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और खलील अहमद संभालेंगे। वही बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 की। राजस्थान में बल्लेबाज है बटलर, देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन और यहाँ पर राशि वांडर, रुसेन और इसके अलावा सिमरन हेटमायर यहाँ पर इस टीम में आज बल्लेबाज हो सकते हैं। तो वही ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे अश्विन और रियान पराग और गेंदबाजी का डिपार्टमेंट यहाँ पर संभालेंगे ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और दीपक सेन और इसके अलावा कुलदीप सेन और इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा टीम की संभावित प्लेइंग 11 में आज हो सकते हैं। इसलिए आज का ये जो मुकाबला है कांटे का होने वाला है।